गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एस पी कोटियाल आज क्लास फोर्थ लेसन पार्ट हमारा पांच विषय हिंदी व्याकरण है और टॉपिक जो हमारा प्रकरण होगा वो होगा कारक। अब इसमें प्रश्न आता है कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा देख लीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा वाक्यों के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ओके, और कारक के आठ भेद होते हैं। यहां पर देखें कारक और कारक चिन्ह। कारक चिन्ह किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। अब देखें कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। दूसरा है कर्म कारक को। तीसरा है कर्म कारक से के द्वारा, से या के द्वारा, किसके द्वारा। ओके, चौथा है संप्रदान कारक, इसके लिए आता है को या के लिए। ओके, अगला है अपादान कारक से, इसका भी आया था करण कारक का, पर ये द्वारा है, किसके द्वारा। और अगला है ये अपादान कारक से अलग होने पर, इसका संबंध होता है अलग किसी चीज का अलग होने से, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया, तो से अलग होने पर। अगला है संबंध कारक, इसके चिन्ह है का ई के ना नी ने रा री रे। अगला है अधिकरण कारक, में पर। अगला है संबोधन कारक, हे अरे हाय। तो अभी आपने ये आठ भागों को देखा, ये हमारा भाग एक था और भाग दो में इनकी पूरी परिभाषा समझाएंगे।